अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस देखिए, आज चालू है मेरे कबाट की साफ सफाई। जैसे कि अभी रमजान स्टार्ट हो चुका है ना, सॉरी रमजान आने वाला है ना। तो रमजान आने से पहले ही मैं अपने घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि रोजा रखकर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इफ्तारी भी बनानी होती है और बहुत से काम होते हैं, इबादत भी करनी होती है, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैं पहले ही घर को साफ कर लेती हूँ, फिर रमजान में मुझे ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर ऐसा पोछम पाछी कर लेती हूँ। तभी सबसे पहले स्टार्ट हुआ है मेरा कबाट साफ करने का। तो यहाँ पर जो पहनने के कपड़े हैं वो, अब मैं क्या बोलूँ, इतने कपड़े हैं हमारे घर में, क्या पूछे। सबसे ज्यादा कपड़े मेरे निकलते हैं, ये देखिए है ना, इतने सारे कपड़े मेरे निकले हैं जो मैं नहीं पहनना है। तुम्हारे भाई को नहीं पसंद है, निकाल दो बोले, अब वो निकाल देती हूँ। यहाँ मैं फेंकती वगैरह नहीं हूँ, मैं ये सब कपड़े जो हमारे एकदम मौसी आते हैं उनको दे देती हूँ। उनके घर में छोटे बड़े करके ऐसा कपड़े उन लोग पहन लेते हैं, है ना, उनके घर में दे देते हैं, या किसी को दे देती हूँ, कोई गरीब को, क्या वो कपड़ा पहने। ऐसा मैं चिंदी वाले को या बर्तन वाले को नहीं देती हूँ, ऐसे इंसान को देती हूँ जो मेरा कपड़ा अच्छा रहता है, घर रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं। तो मैं जो पहन सके वैसा उन लोगों को दे देती हूँ। ये देखिए, ये अभी मैंने इसमें पहनी थी ना, मगर ये पानी में डालने के बाद में ना चल गया कपड़ा। वली में मैं ये राज के राजभाई के वलिए में पहने थे, पानी में एकदम ये हो गया, चल पानी गया। में उसको धोए ना मिले तो छोटा हो गया, छोटा हो गया वो, क्या कैसे, मैं भी जानता हूं, बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया। बाकी सब कपड़े अभी मैं आपको बताऊंगी मैं कबाट की सेटिंग कैसे करती हूँ। आसिफ अशरफ का भी कबाट बताऊंगी और मेरा कबाट भी बताऊंगी। तो अभी हम लोगों का कबाट पूरा खाली कर चुकी है हम लोग, बताते यहाँ पे कबाट देखिए पूरा खाली हो चुका है। अभी उससे पहले हम लोगों ने पूरा आगे पीछे से पूरा झाड़ कर ले लिए, उसके बाद में पानी से और कपड़े से इसे सफाई हो रही है। पानी में थोड़ा सा मैंने ये डाली हूँ सरफ का फिनेल, फिनेल नहीं वो डालती हूँ ना, जो लिक्विड लिक्विड डाल के पूरे कबाट को अच्छी तरह से हम लोग पोंछ लेंगे, पूरी धूल मिट्टी निकाल देंगे। उसके बाद में आराम से कपड़े खड़ी कर करके इसके अंदर रखेंगे। तो कौन सी चीजें कहाँ पे रखती हूँ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आज आपको कबाट टूर मिलेगा, कबाट टूर देखने मिलेगा। आज आप लोग देखिए मेरे अफरोज़ापा के घर का कबाट टूर, है ना। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मेरा कबाट साफ कर हो चुका है, दोनों कबाट को साफ कर ली, बहुत सारे कपड़े निकले वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और पहले आपको मैं कबाट के जो सेट की हूँ वो आपको बता देती हूँ। पहले बाहर से कबाट तो दिखाओ, ये हमारा कबाट। अच्छा हाँ, बाहर से बताओ। तो ये देखिए, ये है हमारा कबाट, कैसा है, मस्त है माशाल्लाह। यहाँ पर बहुत ही कम जो पहनने के कपड़े हैं वही मैं कबाट में रखती हूँ, और जो बाहर आने जाने के कपड़े हैं वो सब एक बैग में भर के मैं कोट माले पे रखती हूँ, है ना, सब सिस्टमैटिक। यहाँ पर मेरी जो साड़ी है, जैसे कि कभी अगर पहनना रहा तो पहनने के लिए, यहाँ पर कुछ कपड़ा है जो मैंने ऊपर नहीं रखी नीचे ही रखी, कभी अर्जेंट में कुछ रिया इवेंट वगैरह तो, या किधर किसके फंक्शन में जाना है तो पहनने के लिए यहाँ पर ये सब कपड़े रखी हूँ मैंने, ये मेरे ही है पूरे, है ना। और ये साइड में तुम्हारे भाई के है, पीछे भी भाई के ये जीन्स वगैरह है, यहाँ पे भी है सब, यहाँ पे भी तुम्हारे भाई के है, और ये साइड में भी सब तुम्हारे भाई के कुर्ते पैजामे है, जैसे जुम्मा जुम्मा पहनते हैं ना वैसा। और ये साइड में सब मैं मैक्सी के अंदर भी पेटीकोट पहनती हूँ, वो पेटीकोट भी इधर ही रखी हूँ, साड़ी के भी पेटीकोट सब घगरे इधर ही रखी हूँ। ये साइड में मेरी लेगिंग्स है, लेगिंग्स पहले बहुत ज़्यादा थी तो मैंने भी कम कर दी लेगिंग्स को, है ना। और ये साइड में सब ग्रेस है जो मेरे को घर में पहनने के लिए लगते हैं, है ना, बहुत कम पहनती हूँ, बहुत मुश्किल से निकालती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि ज़्यादा करके मैक्सी पसंद है, अभी बंद करने वाली हूँ मैक्सी पहनना। यहाँ पर अभी एक नाइटी, दो तीन ही परी हुई है, और ये क्रैक सूट है नाइट में पहनने वाला, मेरे पास दो ही है, बाकी का नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, है ना। ये साइड में सारे लखनऊ कुर्ती का कलेक्शन है, ये सारी लखनऊ कुर्ती है, ये देखिए है ना, ये साइड में भी लखनऊ है, ये साइड में भी लखनऊ है, और ये लखनऊ के सारे दुपट्टे है और पैंट है, प्लाजो है और पैंट है ना। और इधर बैठ जाती हूँ अभी मैं नीचे आराम से,
ये साइड में मेरे डेली यूज के दुपट्टे हैं जो मैं डेली यूज के लिए लेती हूँ ना, रेसिपी के लिए जो यूज करते हैं वो सब दुपट्टे हैं। या इसमें ये बड़े बड़े जो दुपट्टे हैं ना, ये नमाज पढ़ने के लिए अच्छे मतलब सर पे बैठते हैं। तो ये दो दुपट्टे मैंने अजमेर से लेके आई थी, ये मेरे को बहुत पसंद है। इसके पीछे बाजू जो है ना मेरी जीन्स है, दिखेगी नहीं, एकदम अंदर है, जीन्स है, टी शर्ट है। ये देखिए ये साइड में पूरी जीन्स है और ये साइड में टी शर्ट वगैरह सब मैंने रखी हूँ। और जो ज़्यादा भारी भारी है वो सारे मैंने कोट माले पे रखी हूँ, क्या वो जो कभी कभी बाहर जाने आने के समय पहनने के लिए। वो ये सब कल देखने मिलेगा। हाँ वो सब कल देखने मिलेगा। ये अंदर साइड में सब टावेल है हम लोगों के। ये साइड में बनियान, लुंगी, मोजे, तुम्हारे भाई के इधर टुआल, ये अंडरवेयर है ना, ये सब इधर पे रखी हूँ है ना। अभी ऊपर बता देती हूँ, हो गया। एक गांव में कुछ सामान नहीं है, इसमें तुम्हारे भाई के चश्मे हैं तीनों में, और यहाँ पे ये सब कुछ गाड़ी का है सामान। हाँ ये हमारी स्कूटी है बागमैन, उसकी सर्विस बुक है। हाँ ये सब कुछ इसमें थोड़ा बहुत जरूरत का सामान है वो सब इसमें है। और ये मेरी बिस्सी की बुक है जो मैं बिस्सी चलाती हूँ ना, तो इसमें ऐसा सब लिख लिख के रखते हैं हम लोग जो जो पैसा देगा। ये देखिए ऐसा, ये मेरी बिस्सी की बुक है। और ये हमारी जैसे कि कुछ हमें कुछ लिखना है करना है कुछ पर्सनल बात या कुछ, तो ये वो बुक इधर इसमें रखी हूँ मैंने ऐसा करके। खैर बटे जो मुझे ज़्यादा लगता है नाने के बाद, ये खेकरा चार्जर है ना, ये टूथपिक। और इसमें जो है ना धागे है, ये हाथ में बांधते हैं ना हम लोग दरगाह पे जाते धागे, नजर के धागे मैंने हाथ में पहना हूँ देखो। हाँ तो अभी मैं हाथ में मेहंदी लगाई थी करके निकाल दी थी, अभी फिर बांधना है मुझे। ये एक्स्ट्रा चाबी जो है ना हमारे घर की, वो सब मैं इसी में बाइक की एक्स्ट्रा चाबी, कार की एक्स्ट्रा चाबी इसमें रखी हूँ मैंने। और ये कापूर की गोली क्यों डालते? कापूर की गोली सब मैं कपड़े में सब जगह डाली हूँ, पीछे ऐसा सब जगह पीछे मैंने कापूर की गोली डाल के रखी हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अच्छी खुशबू आती है और झुंगुल कापूर वगैरह नहीं होते, इसलिए डाल के रखी हूँ। ये भी बताओ। और ये है हमारा लॉकर, तो लॉकर में कुछ भी नहीं है, सब हमारे बैंक के लॉकर में है सारा सामान। घर में मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। ये मेरी डेली मार्केट जाने के लिए जो पर्स है ना, डेली वाली वो पर्स है। यहाँ पर तुम्हारे भाई के और नहीं मेरा और आसिफ का गॉगल रखा हुआ है जो ज़्यादा भारी है, इसीलिए इसको मैं इसमें रखी हूँ। ये हमारी बैंक की बुक है जो डेली आते हैं ना बैंक वाले लोग घर पे पैसा लेने, पत पेटी वो है। उसी के साथ में ये गल्ला है, ये गल्ले में जो मेरे को जो बिस्सी का जो लोग पैसा देते हैं ना, मैं ये गल्ले में डाल के रखती हूँ, बाद में जिसकी बिस्सी रहती है उसको दे देती हूँ। और इसमें मैं बहुत सारी चिल्लर जमा करती हूँ। और इसके पीछे जो गल्ला है ये इसमें निकालो गल्ले ना। हाँ अरे अच्छा गल्ला है वो, मस्त एकदम। हाँ ये मेरा मट्टी का गल्ला है, इसमें मैं मुझे तुम्हारे भाई जब जब पैसा देते हैं ना, जब सब चीजों में से करके बॉस सब कुछ मेरा होके जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे बच जाते हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ। बचत करके इसमें डालती रहती हूँ, जैसे कि कभी इसमें 400 डालती हूँ, कभी 500 डालती हूँ, है ना। 500 तो फिक्स रखती हूँ, फिक्स इसमें 500 रुपया मैं डालती हूँ। हाँ। ये गल्ला अभी कभी जब भी भर जाएगा ना, अभी तो भर गया है मगर मुझे और फुल करना है। इतना तो, भरने का है कि नोट अंदर नहीं जाना नहीं चाहिए, अभी इधर दिखता रहेगा आप लोगों को, इधर तो इधर तक ऐसा आ गया है। लेकिन अभी और भरना चाहिए। अभी एक साल ऊपर हो गया ना मुझे डालते, एक साल हो गया। हाँ जब अपन गाड़ी लेने मायम गए थे तब लिए थे ना, जनवरी में लिए थे, 1 तारीख को लिए थे जनवरी को बराबर। अभी 1 जनवरी को 1 साल 3 महीना हो गया, मार्च समझ जाओ। मैंने 1 साल डाली, 3 महीना समझो, कभी कभी डाली कभी नहीं डाली, कभी डाली नहीं डाली, ऐसा हुआ ना। तो गल्ला फूटेगा ना उस दिन वीडियो बनाएगा ना है ना। हाँ हो गया गल्ला जमा करने की, इसको पहले से आदत है। बचपन से अम्मी हम लोग को भी बोलते हैं कि मैं बचपन में भी गल्ला जमा करती थी, भला 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपया डाल के जमा करती थी, जमा करती पैसा, जमा करने की पहले से आदत है। और ये माशाल्लाह जब भी जमा करती थी उतने में भी तो बहुत अच्छा अच्छा खासा जमा करती थी, जमा करती थी अच्छा। जब भाड़े से रहते थे तभी जमा करी, उसके अंदर 25,000 रूपया निकाली, 25,000 निकाली। प्लास्टिक का गल्ला था वो, प्लास्टिक का गल्ला। और ये वाला बता देती हूँ, ये डब्बा है ये है ना, और ये डब्बे के अंदर कुछ सामान नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी जो पट्टी रखी हूँ और चांदी की अंगूठी है और घड़ी है,
और बच्चे लोग के चांदी के ब्रेसलेट वगैरह चेन वगैरह इसके अंदर है। और मैं जो भी गोल्ड पहनती हूँ मेरा गोल्ड सब मेरे लॉकर में रहता है, बैंक के लॉकर में। हाँ। मैं घर में कुछ भी नहीं रखती हूँ अपने, है ना। बराबर। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने कबाड़ को देख लिया अच्छी तरह से। हाँ। ये है अम्मी अब्बा का कबाड़। चलिए मैं आपको अंदर का कबाड़ दिखा देती हूँ, ऐसे तो चालू करो ना। चलिए आपको अंदर का कबाड़ दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये कबाड़ की जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ। ये कबाड़ जो है ना मेरे दादा दादी का है, उनके टाइम का कबाड़ है, मतलब मेरे दादा दादी के टाइम का, यानी उनके जवानी का कबाड़ है। की मतलब बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। अभी इसका एक दरवाजा जो है ना, खाली ये कबाड़ का एक दरवाजा इतना हैवी है ना, एक दरवाजे के बरोबर ना पूरा कबाड़ भी नहीं रहेगा अभी के जमाने का। अभी का वो कबाड़ अपना भार वाला ही नहीं रहेगा। नहीं है, गोदरेज का है वो भी, मगर कुछ नहीं है। मैं ये कबाड़ है ना एकदम मजबूत है, देखो एकदम पुराना है। मतलब तो मैं पहले भी इसमें अपने कपड़े रखती थी शादी के पहले, तो मेरे दादा ने बोले थे घर में सब लोग को कि शानू को ही ये कबाड़ देना। मेरे को शानू बोलते घर, मतलब घर में सब लोग मुझे शानू बोलते, तो लोग ने बोले थे कि ये वाला कबाड़ है ना शानू को ही देना, ये शानू ही लेके जाएगी। हाँ। तो मेरी शादी के बाद में ये कबाड़ मैं अपने घर पे लेके आई थी। बराबर। और माशाल्लाह मैंने इसे अच्छी तरह से संभाल के रखी हूँ, क्योंकि ये मेरे दादा दादी की निशानी है। और आसिफ अशरफ को भी बोलती हूँ कि ये कबाड़ को हमेशा संभाल के रखना। बराबर। है ना आसिफ। तो चलिए एकदम मजबूत कबाड़ है, देखिए एकदम पुराने जमाने का। और इसमें मैं रखती हूँ सिर्फ आसिफ और अशरफ के कपड़े। तो चलिए ये ऊपर से स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने रखी हूँ आसिफ के जैसे के क्रैक, ये शॉर्ट। हाँ। शॉर्ट और जो जिम में पहनने वाले टी शर्ट वगैरह, ये अशरफ के इसमें रखी हूँ मैंने, आसिफ अशरफ के इसमें है। और ये थोड़े बहुत आसिफ के कपड़े हैं यहाँ पे। और ये नमाज की टोपी यहाँ पर रखी हूँ मैंने, जो नमाज पढ़ने के लिए इन लोग निकाल कर पहन लेते हैं, है ना। जा रहा है। हाँ जा जा। और उसी के साथ में यहाँ पर मैंने रखी हूँ टोपी। अभी धूप आई है ना, तो टोपी निकाल दी हूँ मैंने, क्योंकि धूप में इन लोगों को टोपी की ज़रूरत लगेगी। ये टाई है, कभी भी इन लोगों को टाई वगैरह लगती है पहनने के लिए, तो वो भी यहाँ पर ही रखी हूँ मैंने। अभी ये सब है अशरफ के बाहर आने जाने के कपड़े, है ना। ये घर में पहनने के कपड़े भी है, इसमें बाहर आने जाने के कपड़े भी। एक क्रैक है, और जो भारी भारी कपड़े है जो, वो सब कोट माले पे है। बराबर। है ना। और ये नीचे साइड में है आसिफ के सब कपड़े हैं यहाँ पे, डेली यूज के भी है, बाहर आने जाने के भी है, ऐसे कुछ यहाँ पर भी है। और जो और एकदम ज़्यादा अच्छे अच्छे वो कोट माले पर है। एक क्रैक है आसिफ के सब यहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आसिफ के सब कुर्ते पैजामे हैं। एक शर्ट तुम्हारे भाई ने इधर रख दिए, ये अशरफ का कुर्ता पैजामा है। और एक यहाँ पे क्रैक रखे हैं आसिफ की। मैं ज़्यादा नहीं है, जो नहीं पहन रहे थे बच्चे लोग कपड़े, और जो मैं नहीं पहन रही थी कपड़े जो ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वो दोनों कबाट के मैंने खाली कर दी। बराबर। अब ये देखिए यहाँ पर रखी हूँ मैंने, इसमें जो है मैंने रखी हूँ राशन कार्ड, और जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगता है ना, वो सब सामान इसमें रखी हूँ मैंने। और इसके अंदर मैंने वो रखी हूँ गाड़ी के कुछ पेपर वगैरह जो ज़ेरॉक्स लेते हैं, बाटले का वो सब, बोले ना गैस के बाटले का, वो सब जो जरूरत का सामान है जो हमेशा अपने को लगते रहते हैं। हाँ। वो सब सामान इसके अंदर रखी हूँ। बराबर। ये साइड में इन लोगों के सबके बेल्ट रखी हूँ मैंने थैली में बांध के। ये साइड में मेरी सारी पर्स है जो कभी कभी मैं यूज कर लेती हूँ, जो भारी भारी पर्स है वो सब कोट माले के ऊपर। बराबर। है ना, जो इतनी जगह नहीं रखती हूँ मैं, ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ये कबाट हमारा, छोटू मोटू सा, छोटू मोटू नहीं है, बहुत प्यारा कबाट है ये, है ना। बहुत प्यारा और बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। और ये दोनों कबाट में से मैंने कितने सारे कपड़े निकाली वो आपको बताती हूँ मैं यहाँ। तो ये देखिए मेरे कबाट में से और आसिफ और अशरफ के कबाट में से इतने सारे कपड़े निकले, तुम्हारे भाई के थोड़े निकले, मेरे निकले थोड़े, आसिफ के निकले, अशरफ के निकले, ये करके 1, 2, 3, 4, 5 पोटले पोटले हैं। मतलब जैसे कि थोड़े इसमें अच्छे भी हैं जो कोई पहन सकता है, वैसे कपड़े हैं जो मैं ये कपड़े उन लोगों को ही देती हूँ जो पहनते हैं। हाँ। और ऐसा चिंदी विंदी वाले लोगों को नहीं देती हूँ, नहीं, क्योंकि अच्छे कपड़े देते हैं ना। हाँ। कोई भी यूज कर लेता है या पहन लेते हैं। बराबर। तो मुझे भी खुशी होती है। हाँ। ऐसा सब मैं निकाल कर रखती हूँ। अभी आज आप लोगों को कैसा लगा, आज खाना मैंने कुछ नहीं बनाई,
मौसी को बोल दी थी जरा रोटी बना दो, मौसी ने सुबह में रोटी बनाए, नाश्ते में हम लोग रोटी खाए, फिर दोपहर में फिर मौसी को बुलाई, मौसी को बोली फिर तुम रोटी बनाओ, आशीष ने होटल से भाजी लेके आया, एक पनीर टिक्का मसाला और पनीर चिल्ली वो हम लोगों ने खाए, रात का चावल था वो गर्म करके हम लोगों ने खा लिए। फिर अभी रात को मुझे अभी भूख नहीं लग रही, आशीष बोला मम्मी मुझे भी भूख नहीं है, और अशरफ ने और तुम्हारे भाई ने भी आज दाल चावल सिर्फ खाए। इंशाल्लाह कल मैं रेसिपी बनाऊंगी, एक रेसिपी शूट करूंगी, उसके बाद में फिर निकालूंगी कोटमाला साफ करने के लिए, वही उधर है कोटमाला ऊपर, और फाइनली कोटमाला हो जाएगा उसका मैं आहिस्ता आहिस्ते काम चालू करूंगी, और इंशाल्लाह घर का काम चालू करने वाली हूँ, यही वाले घर का काम, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होएगा, करने वाली हूँ सब, थोड़ा बहुत सब चेंज होएगा, अभी नहीं रमजान के बाद रिपेयरिंग होएगा, रिपेयरिंग करने वाली हूँ रमजान के बाद, थोड़ा इसके ऊपर एक माला है मगर उसके ऊपर और एक माला चढ़ाने वाली हूँ, तीसरा माला और टेरिस डालने वाली हूँ, अभी करने का था मगर अभी रमजान है और घर में शादी भी आ गई तो सब के बीच में मैं फंस गई, नहीं कर पाई। इंशाल्लाह ये टाइम 11वीं शरीफ के पहले घर को मैं फुल चेंज करूंगी, किचन वगैरह सब सब किचन विचन सब चेंज करूंगी, आप लोग बताना कैसा लगेगा करके। तो चलिए गाइस अल्लाह हाफिज़, कैसा लग रहा है आप लोगों का मेरा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग, और सही बात बोलूं कि मैंने ये वीडियो जो अभी अपलोड करी थी ये शबे बारात का, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारी दुआएं दिए मुझे बहुत लोगों ने अच्छा बोले है ना, और जो बुरा बोले उन लोगों की बातों का मुझे बुरा नहीं लगता है ना, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर, हाँ इग्नोर करते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत न जाए कुछ है, तो उन लोगों को भी जो मुझे बुरा बोलते हैं उन लोगों को भी आई लव यू, और जो मुझे अच्छा बोलते हैं उन लोगों को आई लव यू टू, बोलो बोली ना आपकी, तो ऐसी कमेंट कीजिए, आप लोगों की कमेंट पढ़ने के बाद में, आप लोगों की कमेंट अच्छी सुनने के बाद में मेरा दिल बहुत खुश होता है, मैं जो मेहनत करती हूँ ना तो मेरी मेहनत का फल ना आप लोगों की कमेंट अच्छी कमेंट से ना मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है और मैं माशाल्लाह बोलती हूँ है ना आसिफ, तो वही मुझे ऐसा लगता है कि वही मुझे सब कुछ मेरे को मिल गया, तो इसीलिए आप प्यार दीजिए, मैं आपकी प्यार ही मुझे आपका चाहिए है ना, इसी तरह से मुझे सपोर्ट कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, फिर मिलते हो एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में।